इसी को डिफाइन करता हूँ कि मुझे अधिकार है कहीं भी जाने का, घूमने का, किसी के साथ इंटीमेट होने का, और अपने मुझे सरकार जो है, मैं चाहता हूँ कि मुझे सरकार मजबूर ना करे अपने कुछ व्यक्तिगत विवरण जो है वो देने के लिए, सरकार मुझे वो ना करे, मजबूर ना करे. द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेसी इज दैट आई ओन समथिंग एंड नो वन शुड बार्ज इन दैट सॉर्ट ऑफ अरेना एंड टेक दैट अवे फ्रॉम मी. इन डेमोक्रेसी वी शुड हैव प्राइवेसी, मींस पीपल मस्ट हैव देयर ओन ओपिनियन एंड दे शुड बी फ्री ऑफ कीपिंग देमसेल्फ ओपिनियंस टू देमसेल्फ ऑल्सो एंड दे माइट कीप देयर प्राइवेट स्टफ टू देमसेल्फ. जस्ट लाइक बहुत सारे लोग बोल भी देते हैं कि सुसाइड जो होता है वो प्राइवेसी में कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि उसका खुद का सेल्फ डिसीजन होता है कि वो मरे या ना मरे. उस टाइम को छोड़ के अगर बाकी अगर वो अपनी बॉडी के साथ अगर कुछ करना चाहता है तो उसको प्राइवेसी बोला जा सकता है. अपने बारे में कुछ ना बताने का, अगर मैं ना चाहूँ तो ना बताऊँ, ऐसा अधिकार है मुझे. तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है. आई थिंक इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव जजमेंट. Right to privacy definitely gives you a right to make your own choices and stops other person from intervening in it. So obviously section 377 should not hold right now and we should rethink our decision and proceed towards its decriminalization. तो मैं इस फेवर में भी हूँ कि जो 377 जो रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है वो भी हटाया जाए, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ प्राइवेसी. इन द लाइट्स ऑफ टूडे क्रिमिनलिटी ऑफ सेक्शन 377 इज समथिंग टू बी डिबेटेड totally differently nowadays. We should all have their own life. Homosexuality should be considered okay. हाँ बिल्कुल हटना चाहिए, हम डेमोक्रेटिक दुनिया में जी रहे हैं, सबसे बड़ी जमहूरियत में हैं हम. यहाँ नहीं हटेगा तो कहाँ हटेगा. मेरा ये मानना है, अगर मैं मानता हूँ गवर्नमेंट हूँ और मैं ये मानना है कि मैं आपको कुछ सब्सिडी दे रहा हूँ, तो अगर आप मुझे आपका आइडेंटिटी देंगे तभी आप मैं आपको सब्सिडी दूंगा, तो वो एक राइट वे है. क्योंकि अगर आपको फ्री में कुछ चाहिए तो आपको देना पड़ेगा, और अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे फ्री में भी मिले और मैं अपना आइडेंटिटी भी ना दूँ तो वो प्रॉब्लम. मैं चाहूँगा कि सरकार को ये नहीं होना चाहिए कि आप हर किसी का फिंगरप्रिंट और आईज का प्रिंट लेके रखें. मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए. इफ़ यू टॉक अबाउट आधार, द यूआईडी व्हिच इज देयर, इट गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन टू दैट, मींस यूआईडी सेक्शन टू दिस, एंड देयर मे बी अ थर्ड पार्टी लिंक एंड योर प्राइवेसी माइट बी लीक्ड. एंड देयर हैव बीन मेनी केसेस लाइक एसबीआई आल्सो सफर्ड समथिंग ऑफ प्राइवेसी. Why would the government say so? Because I don't understand that the poor has an Aadhaar card. They are emphasizing Aadhaar for each and every individual staying in this country. So if he or she does not have right to protect his identity under and his own data under the Aadhaar, and the other stakeholder can use it any which way they want to, how would be that a sort of elitist idea? Har kisi ki zindagi hoti hai. Aisa nahi ki gareeb निजता नहीं होती है और अमीर की निजता होती है, ऐसी कोई बात नहीं है. निजता किसी की भी हो सकती है. तो ये कहना अपने आप में, मतलब मैं तो कहूँगा कि ये फ्यूडल कमेंट है. एक्चुअली द पर्सन हु आर स्पीकिंग लाइक दिस आई थिंक आर क्वाइट डम. Because if suppose someone doesn't speak, it doesn't mean that they do not have their rights.